गौरव गोयल जी सीगे सब तो पहला बेहोश वो होंदे ने ते सब तो पहला गैस है जिहड़ी उन्हां नूं चढ़दी उस तो बाद बेहोश होंदे ने उस तो बाद हौली हौली करके परिवार दे बाकी मैंबर बेहोश होंदे ने। क्या हुआ क्या था सर? एक मैं एक बैग से फैक्ट्रियों के लापरवाही जैसे वजह से सीवरेज में से पानी की गंदी सी महक आने लगी जी, वही सिर पर चढ़ने लगी सभी के, फिर उसी से बेहोश होने लगे, किसी की डेथ भी हो रही थी जी। बेहोश होने लगे कितने टाइम में वो आपके ऊपर असर कर रही थी? 2 मिनट में ही सर। आपको कुछ नहीं सूझा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या? कुछ नहीं सूझा जी। क्या फील होने लग गया था जब गैस चढ़ गई? गला पकड़ रही थी और सांस रुकने लग रही थी। सबसे पहले बेहोश आप होते हो? हाँ जी जी। आपके पास उस टाइम कितने कस्टमर खड़े थे? एक कस्टमर था, लेडीज थी। लेडीज थी, वो भी बेहोश हो गए थे? हाँ जी मैम। मम्मी भाई और भाई की वाइफ खत्म हो गए जी, बोलता छोटा बच्चा बचा बस। जो घटना वापरी सी ग्यासपुरा दे विच गैस लीक हुई सी जिस दे नाल काफ़ी लोगों नु नुकसान होया ते परिवार पूरे दे पूरे खत्म हो गए। एक डॉक्टर साहब का परिवार से जिस पांच जने पूरे खत्म हो गए कि जिहड़ी करियाना स्टोर की गल की जा रही सी, गोयल करियाना स्टोर की गल की जा रही सी ते जिहड़े गौरव गोयल जी सीगे सब तो पहला बेहोश वो होंदे ने ते सब तो पहला गैस है जिहड़ी उन्हां नु चढ़दी उस तो बाद बेहोश होंदे ने, उस तो बाद हौली हौली करके परिवार दे बाकी मैंबर बेहोश होंदे ने। किस तरह ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾ ਜਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ? ਜੀ ਸੁਬਹਾ 7 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਿਆ ਥਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੇ फैक्ट्रियों के लापरवाही जैसे वजह से सीवरेज में से पानी की गंदी सी महक आने लगी जी, वही सिर पर चढ़ने लगी सभी के, फिर उसी से बेहोश होने लगे, किसी की डेथ भी हो रही थी जी। बेहोश होने लगे कितने टाइम में वो आपके ऊपर असर कर रही थी? 2 मिनट में ही सर। 2 मिनट में? आपको कुछ नहीं सूझा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ या? कुछ नहीं सूझा जी। क्या फील होने लग गया था जब गैस चढ़ने लगी? गला पकड़ रही थी और सांस रुकने लग रही थी जी। हाँ जी जी। तो सबसे पहले बेहोश आप होते हो? हाँ जी जी। आपके पास उस टाइम कितने कस्टमर खड़े थे? एक कस्टमर था, लेडीज थी। लेडीज थी, वो भी बेहोश हो गए थे? हाँ जी मैडम जी। उसके बाद फिर आपको कुछ याद है, कुछ ध्यान है क्या हुआ? नहीं, उसके बाद तो यही ध्यान था, लोग कह रहे इसको उठाओ उठाओ पानी डालो, भाई यही याद है बस। बस यही याद है, उसके बाद कुछ याद नहीं? नहीं मैडम जी। उसके बाद आपको बताया कि कैसे बाकी लोग या आपका परिवार वहाँ पे पहुंचे? मैडम एक आज सुबह बताया गया परिवार के बारे में जी। क्या पता चला आपको? मेरे यार दोस्त गए थे ना कैंसर हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि मम्मी भाई और भाई की वाइफ खत्म हो गए जी, बोलता छोटा बच्चा बचा बस जी। बच्चा कहाँ पे था उस टाइम? वो अपनी मौसी के पास था जी। हाँ जी। वो यहीं पे थे आपके? नहीं, वो सुबह था, पर जैसे उसको गैस चढ़ी कोई उठा के बाहर ले गया ना दूसरी जगह, तो उसकी मौसी फिर अपने साथ ही ले गए अपने घर जी। हाँ जी जी। तो अभी इस टाइम आपका सारा परिवार है वो खत्म हो चुका है? हाँ जी मैडम जी। आपको किसकी लापरवाही लग रही है जी? मैडम कंपनी वालों की लापरवाही है जी जी। कोई कारण क्या है? वही गंदा संदा पानी सीवरेज में डालते रहते हैं जी। हाँ जी। आपके आसपास कितने लोग हैं या कितने घर हैं जो? सामने जी 3 ढाबे वाले हैं, एक ये गैस चढ़ी थी। हाँ जी। एक बराबर में घर है, उनकी भी 2 की डेथ हो गई, फिर एक डॉक्टर साहब है उनके 5 मेंबरों की डेथ हो गई जी। हाँ जी। कह रहे हैं कि जो 13 लोग थे 13 लोग बेहोश हुए थे, उनमें से 11 की डेथ हो चुकी है। हाँ जी मैडम जी। डॉक्टर साहब का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। अपील क्या करना चाहते हो सरकार को? अपील से यही करना चाहता हूँ, आगे जाके कोई ऐसी लापरवाही ना हो बस जी। वो 10 महीने का बच्चा है, फिर आप कैसे पालोगे? मैडम 10 महीने का बच्चा मुश्किल से ही पाला जाएगा, आने वाला समय बहुत कठिन है उसका जी। हाँ जी। सो इस गौरव गोयल जी जिन्हां दी दुकान ते जिहड़ी गैस दी महक आ ओह आउंदी आ, उस तो बाद गौरव जी बेहोश हो जांदे ने ते बेहोश होण तो बाद 2 मिनट दे विच कहिंदे ने कि गैस ने इन्हां ते असर करता ते बेहोश हो गए। उस तो बाद च ओह जिहड़ी कस्टमर उत्थे मौजूद सी ओह बेहोश हो जांदे ने, कहिंदे मैनूं सिर्फ आखिर दे विच इही गल याद है कि लोक कह रहे सी कि इन्हां ते पाणी पाओ इन्हां नूं उठाओ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ।